तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक मकान से 12 लोगों को छुड़ाया है, जिसमें 7 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बता दें कि पुलिस को नाबालिगों के लापता होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और बच्चों को ढूंढने निकाला। आरोपियों ने लोगों को दूसरे राज्यों में बेचने की योजना बनाई थी। संजय हरदर के द्वारा वहां से इनको इकट्ठा कर कोयलीबेड़ा मिथुन चौधरी के दुकान में लाकर इकट्ठा किया गया था, जहां से अमनेश चौधरी और संजय हरदर फरार हो चुके हैं और अभी मिथुन चौधरी हमारे गिरफ्त में है। गाड़ी लेने के बाद दुकानदार को पूछे, अनिमेश चौधरी नाम का लड़का लाया था और उसके साथ उसका जो मोबाइल दुकान चला रहा था वो लड़का भी लाया था। बच्चे लोग को दुकान के अंदर में बंद करके रखे थे, हम लोग उनको खुलवाए शटर को और उनको हम लोग थाना में सपोर्ट किए हैं। सुशील सलाम जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, कैसे पुलिस इन आरोपियों तक पहुंचे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कांकेर जिला के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलीबेड़ा के काकबरस गांव का मामला है, जहाँ पर इन ग्रामीण बच्चियों को और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ तस्करों द्वारा लगातार 2 से 3 दिन तक कोलीबेड़ा में लाकर एक मकान में रखा गया था, जहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों को भनक लगी और समाज सेवियों को, जिसके बाद समाज सेवियों ने वहाँ पुलिस के साथ धावा बोला और वहाँ से इन नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जैसे ही पुलिस की भनक लगते ही वो दोनों आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन वही मकान मालिक के बताए अनुसार उस आरोपी की खोजबीन जारी है। शुक्रिया जानकारी के लिए।